subscribe, like and click on bell icon. अस्सलाम वालेकुम, लेजी अपलोडर हाजिर है एक और अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। आज है अनबॉक्सिंग एन एयर पंपिंग इनटू एन एयर सोफ़ा। ये एयर सोफ़ा मैंने अमेजोन से लिया था। ये इसके साथ चेपियाँ जिसे कहते हैं वो भी आई थी, थोड़ी सी ग्लू भी आई थी कि अगर बाद में कुछ ख़राब हो जाए तो यू कैन फिक्स इट एट योर होम। इसके साथ ये मैनुअल पंप होता है, अल्लाह ना करे आपको इस्तेमाल करना पड़े, बहुत ही वाहियात किस्म का है, तो मैंने तो ये इस्तेमाल नहीं करना। प्रोडक्ट थी सेयोबी, जो भी है, सिंगल साइज़ एयर सोफ़ा और साथ फीट रेस्ट। पहले मैंने बड़ी मुश्किल से देख के मैंने ऑर्डर किया, मैंने कहा पता नहीं कैसा निकलता है, क्वालिटी कैसी होगी, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकली। आई हाईली रिकमेंड दिस। डब्बा ज़रा आपने देखता है जैसे पता नहीं कौन कहाँ से फेंकता फखाता आया है, लेकिन अंदर प्रोडक्ट काफ़ी ठीक निकली। मैंने भी जब डब्बा देखा मैंने कहा भाई किसने भेजा। तो खैर, एक इसके साथ ये फीट रेस्ट आया। दोनों की अच्छी बात है कि कॉटराइट टाइप, बड़ा अच्छा कलर, बहुत ही नरम और मुलायम इसकी स्किन है। एक फीट रेस्ट है और ये बेसिकली सोफ़ा है। तो बेसिकली ये आया था साथ में मैनुअल पंप है, लेकिन लकीली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ओज़ीटो का इलेक्ट्रिक एयर पंप था। ये इसके साथ मैं गाड़ी में भी लगा लेता हूँ, घर में भी लगा लेता हूँ। ये डायरेक्ट इसके साथ वॉल स्विच है, ये बड़ी अच्छी बात है इसकी। तो मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, मैंने इसको ऑन करके एयर पंपिंग करनी शुरू की। तो आप खुद ही देखेंगे जब तक होती है, जब तक वो फुल हो जाए और उसका एक्सटेंड हो जाए, एक ज़्यादा बात है उसकी एक लिमिट है, उस तक करें, बिल्कुल फाड़ना नहीं, एक लिमिट तक उसकी एयर करें। अच्छी बात है कि उसके साथ ना इस पंप, इलेक्ट्रिक पंप के साथ डिफरेंट साइज़ आते हैं, जो साइज़ लगता है वो लगाएं ताकि हवा बाहर ना निकले। तो 5-6 जनरल उन्होंने साइज़ दिए हैं, तो वो लगाएं और उसमें हवा भर दें। इसी तरह फिर फीट रेस्ट के बाद मैंने मेन जो सोफ़ा है उसमें हवा भरनी शुरू की, और कुछ ही मिनटों में, शोर बहुत हुआ लेकिन कुछ ही मिनटों में ये हो गया। और ये देखें, इसके लिए एन्जॉयमेंट जब फुल ऑन हवा भर गई, दूसरे में आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी वेरी स्टेबल, कॉटराइज वेरी नरम।